हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, एक गैस का सिलेंडर है उसमें कुछ एयर है, ठीक है। व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, तो उस सिलेंडर से वन टाइम किसी टाइम पर जो उसकी गैस निकालते हैं ना, 1/4 गैस निकालते हैं, उसके बाद जो गैस बचेगी उसका फिर 1/4 उससे रिमूव करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे जो सीरीज बनेगी वो एपी के फॉर्म में है या नहीं है, यही हमें चेक करना है। तो क्या करेंगे, जो सिलेंडर है उसके वॉल्यूम को लेट कर लेंगे, ठीक है भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं, तो लेट कर लेंगे, लेट द वॉल्यूम ऑफ गैस सिलेंडर, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो गैस का सिलेंडर है। अब देखो हमें हर बार क्या करना है कि 1/4 उसकी गैस को रिमूव करना है, तो 4 का जो क्यूब होता है वही मैं लेट कर लेता हूँ, यानी कि 64। इसका जब हम 1/4 करते जाएंगे ना, तो जो डिजिट है वो पॉइंट में नहीं जाएगा और ना फ्रैक्शन में जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि इसका जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, सिलेंडर के वॉल्यूम को लेट कर लिया मैंने 64, ठीक है। जो सिलेंडर है उसका ये वॉल्यूम हो गया। अब क्या करते हैं कि उसको वन टाइम किसी भी टाइम पे उसकी जो गैस रिमूव करते हैं वो 1/4 रिमूव करते हैं, तो रिमूविंग ईच टाइम गैस, गैस रिमूव फर्स्ट टाइम वॉल्यूम, वॉल्यूम को 1/4, ठीक है। ये कंडीशन गिवन है कि भाई ये उसका सिलेंडर की वॉल्यूम हमने लेट कर ली है, उसके बाद में जो उससे गैस निकलेगी ना सिलेंडर से, वो हर बार क्या होगी कि उसकी 1/4 वॉल्यूम की 1/4 इरेज होगी, रिमूव होगी। तो देखो अब पहले हमारे पास यहाँ से A1 फाइंड आउट करी, A1 देखो हम जो गैस का ये है, पहले फर्स्ट में क्या है A1, A1 होता है सीरीज में, A1 हमारे पास है 64, यही है। उसके बाद में A2 देखो क्या होता है, A2 होता है तो हमारे पास 64 है, इसमें से माइनस होगा, क्या माइनस करेंगे भाई, 64 का 1/4 उसका जो वॉल्यूम है उसका 1/4 इरेज कर देंगे इसमें से। तो इसको सोल्व करेंगे, 4 1 4 4 1 4 और 4 6 24, ठीक है। तो ये आएगा 64 माइनस 16, इनको जब माइनस करेंगे तो A2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 48, ठीक है भाई। अब देखो ये A1 है, ये A2 है, इसी तरह हम क्या करेंगे A3 फाइंड आउट करेंगे। A3 को वैसे करेंगे, A3 क्या होता है, पहले तो A2 की वैल्यू, ठीक है, माइनस A2 का 1/4, तो A2, ये कंडीशन गिवन है हमें क्वेश्चन में से, A2 की वैल्यू है 48। अब 48 माइनस A2 क्या हमारे पास 48, 48 का 1/4, इसको कैंसिल करेंगे 12, तो यहाँ से A3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 48 माइनस 12 यानी कि 36, ठीक है। अब जो AP होती है उसे जनरल फॉर्म ये होती है, AP ये होती है कि भाई A1 A2 A3 दिस एंड दिस AN, यही होती है ना, AP की जनरल फॉर्म होती है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में जो हमने सोल्व किया उसमें A1 की वैल्यू क्या है, 64, 48, 36, ये हमने लिया है। अब देखो यहाँ से चेक करते हैं इनका भाई कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, डी जो होता है डी कॉमन डिफरेंस डी होता है A2 माइनस A1, ठीक है। और सेकंड हम चेक कर लेंगे A3 माइनस A2, हमने A3 तक फाइंड आउट किया, चेक करेंगे इन दोनों का डिफरेंस सेम है या नहीं है। अब देखो A2 यहाँ से A2 माइनस A1 क्या आएगा, A2 की वैल्यू है 48 माइनस 64, माइनस करेंगे तो बताओ क्या आएगा। अब देखो 48 माइनस 64 करेंगे तो D की वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ से माइनस 16, ठीक है। अब यहाँ सेकंड पोजिशन में इधर देखेंगे, यहाँ पे D की वैल्यू आएगी, A3 की वैल्यू 36 है,
36 माइनस 48, ठीक है। तो देखो इनको माइनस करेंगे तो ये आएगा 12, डी की वैल्यू आएगी माइनस 12। अब देखो डी क्या होता है, डी मैंने बताया था कि जी एपी होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, उसमें जो डी है ना वो होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब सीरीज में जो दो नंबर है कंटिन्यू उनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो सेम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे माइनस 16 है, यहाँ पे तो माइनस 16 है और यहाँ पे माइनस 12 है, सेम नहीं है। तो ये जो एपी हमने फाइंड आउट किया ये नहीं है, ये जो डाटा है ये एपी की फॉर्म में नहीं है। तो इसको लिखेंगे, मैं लिखेंगे कॉमन डिफरेंस डी है तो लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, सेम नहीं है तो द कंडीशन डज नॉट फॉर्म एफ ए पी। दिस कंडीशन या दिस कंडीशन डज नॉट फॉर्म ऑफ ए पी, फॉर्म ऑफ ए पी। भाई इनका डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है तो इन डाटा को, जो डाटा हमें गिवन है, जो कंडीशन हमें गिवन है, उसको हम एपी की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है भाई।